नमस्कार, रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस, जिसे हम बिना सिलाई बिना क्रोशे के बनाएंगे और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो केवल 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम पेस्टिंग ले लेंगे, बुकरम या कोई मोटा कपड़ा, और उसे हम काट लेंगे। अपने लड्डू गोपाल की कोई ड्रेस ले लीजिएगा और देख लीजिएगा उसकी गोलाई कितनी है। तो मैं इस कटोरे के हिसाब से काट लूँगी। मेरे लड्डू गोपाल 0 नंबर के हैं और उनकी ड्रेस इस साइज़ की आती है, तो हम इसी तरह से काट लेंगे। जितने भी आपके लड्डू गोपाल हैं उसी नाप से आप ड्रेस लीजिएगा और काट लीजिएगा। मैंने निशान लगा लिया और अब मैं इसे काट लूँगी। और ये देखिए, मैंने इसे काट लिया है बिल्कुल गोल। अब हम इसके लिए एक कपड़ा लेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी कलर का, या आप बिना कपड़े के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसे चिपका लीजिएगा। और मैंने पेस्टिंग लिया तो मैंने इसे रख के सब प्रेस कर दिया है और ये इस तरह से चिपक गई है। अब मैं इसे भी काट लूँगी। आप चाहे तो एक साथ ही एक जैसे कपड़े काट लें और फिर चिपका लें, या आप इस तरह से अलग अलग काट लें, पहले चिपका लें और फिर काट लें। तो मैं इसे भी काट लूँगी और ये देखिएगा कितना अच्छा मेरा बेस बन करके तैयार हो गया। ये हमने बेस बना लिया। बेस हमें ज़रूर चाहिए ड्रेस में बना, आप चाहे कैसे भी लें, बुकरम से, पेस्टिंग से, या मोटे कपड़े से। तो अब मैं इस तरह से तय बनाऊंगी। हमें इसे बीच से काटना है तो हम इस तरह से तय बना लेंगे और हमें सेंटर से काट देंगे लगभग 1 सेंटीमीटर। मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो 0 नंबर के हैं, बहुत ही छोटे से हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से मोड़ लिया है और मैं इसे काट दूँगी 1 सेंटीमीटर के लगभग। आप अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से काट लें। तो हमने इसे काट लिया है और अब इसे हम खोल लेंगे। अभी हमें इसे साइड से भी काटना है। हम इसे बैक ओपन रखेंगे, तो इस तरह से मैं यहाँ से भी काट देती हूँ ताकि हमें बनाने में आसानी रहे। ये देखिए, हमने इस तरह से काट लिया और बेस हमारा हो गया है तैयार। अब हम लेंगे ऊन। अब किसी भी तरह की ऊन ले लें, किसी भी कलर की ले लें, और मैं इससे इन दो उंगलियों पर इस तरह से गोल गोल लपेट लूँगी। 8 बार लपेट लेंगे हम इस तरह से। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर मैं इसे उंगलियों के बीच से लाऊंगी। ये देखिए, इस तरह साइड से बीच में से ला के हम निकाल लेंगे और फिर इसमें एक फंदा सा लगा लेंगे। इसी ऊन से इस तरह से खींच लेंगे जब ये बिल्कुल खींचनी बंद हो जाए, टाइट कर लें इसे बिल्कुल। और जो धागा हमारा खींच नहीं रहा है उसे हम काट लेंगे। यहाँ से काट लेती हूँ मैं थोड़ा सा, और इसे हम ऐसे ही पकड़े रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरह से खींच के निकाल देंगे। ये देखिए, हमारा इस तरह से पत्ती सी बन गई है। इसी तरह से हम बहुत सारी पत्तियाँ बना लेंगे, जितनी भी हमें चाहिए। तो ये मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी, ये मैं अब उठा लूँगी और अब हम अपनी ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। तो अपना बेस लेंगे हम। यहाँ हम चाहे तो इसे सिल भी सकते हैं मशीन से या हाथ से, या आप इस तरह से इसे चिपका भी सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे ऐसे ही पेस्ट करूँगी। इस तरह से हम यहाँ इसे सिल भी सकते हैं चाहे तो। मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं तो मैं इन्हें ऊपर से ही जोड़ रही हूँ। आपके लड्डू गोपाल की ड्रेस बड़ी है तो आप थोड़ा नीचे कर लें और ऊपर से जोड़ लें। तो मैं इसमें 2 लेयर बनाऊँगी। आप चाहें तो 3 लेयर 4 लेयर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसे चिपकाऊँगी, पेस्ट करूँगी। तो मैं फेविकोल लगा रही हूँ, आप चाहे तो ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं, उससे और भी जल्दी आपकी चिपक जाएगी। मुझे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसे रखने के लिए। अच्छे से फेविकोल लगा लेंगे ताकि चिपक जाए। और इस तरह से हम ये लेयर पूरी कर लेंगे पास पास। इस तरह से हम ये चिपकाते हुए चले जाएंगे, ये देखिएगा। तो मैं ये राउंड पूरा कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए, ये लेयर मैंने पूरी कर ली है। इस तरह से मैंने इस पर चिपका दिया है। अब हम ऊपर की साइड भी लगा लेंगे अच्छा सा फेविकॉल, या फेविकू आप कुछ भी लगा लें, या सिलाई कर लें। सिलाई करना भी अच्छा रहता है, आप सुई से सिलाई कर लेंगे मशीन से। खूब अच्छा सा मैं इसे लगा लूँगा। फिर हम यहाँ पे भी इसी तरह से चिपका देंगे जैसे हमने नीचे चिपकाया था। इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड लेयर बन गई है। हमारे लड्डू गोपाल छोटे हैं तो हमारी 2 लेयर ही बनी है। आपके लड्डू गोपाल बड़े हो तो आप 3 भी बना सकते हैं, या आप इसे छोटा बना सकते हैं। जो जैसे मैंने 2 उंगली पे बनाई, आप 1 पे बनाएं तो भी आप
बना सकते हैं इससे, तो भी आपकी 3 लेयर आ जाएंगी। और ये देखिए मेरी दूसरी लेयर भी पूरी हो गई है। मैं इसे थोड़ा सा दबा देती हूँ क्योंकि मैंने फेविकोल से बनाया है, तो थोड़े टाइम लगेगा इसे सूखने में। मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से प्लेन हो गया है। आप चाहे तो हल्की सी प्रेस कर सकते हैं कोई कपड़ा या कागज़ रख करके। और अब देखिए हम इसकी आस्तीन बनाएंगे उस चोली, तो उसके लिए मैंने इस तरह से ऊन ले ली है। देखिए इस तरह से मैं ऊपर से दबा लूँगी अंगूठे से, और 3 उंगलियों पर मैं इसे लपेटूंगी। ये 3 उंगलियों की लंबाई जो मेरी बनेगी ये लगभग 3 इंच है, और मैं इस तरह से इस पर 12 बार लपेट लूँगी। जैसे मैंने पहले उंगलियों पर लपेटा था उसी तरह से हाथ पे इस तरह से लपेट के चोली बनाएंगे। तो ये मैं 12 बार लपेट ली, और फिर इसी तरह से उंगलियों के बीच से हम लाएंगे। ये देखिए मेरी 12 हो गई है। उंगलियों के बीच से जैसे हम पहले लाए थे उसी तरह से ला करके हम इसमें एक फंदा सा लगा देंगे, जिससे हमारा ये ना निकले। इस तरह से टाइट खींच लेंगे बिल्कुल, और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। और जो हमारा ऊन का गोला है इसे पकड़ के हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऊन। ये देखिए तो ये हमारी इस तरह से लच्छी सी बन गई है, छोटी सी। एक हम और बना लेंगे, हमें 2 चाहिए। चलिए इसके बनाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, 4 4 टुकड़ों में, 4 4 धागे हम एक साइड कर लेंगे, 12 हैं तो हम 3 जगह इन्हें कर लेंगे इस तरह से। देखिए जब हमने इन्हें 3 जगह कर लिया, अब हम इनकी एक चोटी सी बना लेंगे। जिस तरह हम चोटियाँ बनाते हैं ना गूंथते हैं, उसी तरह से हल्के हाथ से हम इसे भी गूंथ देंगे ऐसे पकड़ के। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से हम बना लेंगे हम इसे। चलिए मैं ये दोनों बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी चोटी सी बन जाएगी। और ये देखिए हमने इस तरह गूंथ लिया है, और जो इसे नीचे से हम एक धागे से बांध देंगे जिससे हमारी ये ना खुले, तो हल्का सा हम धागे से बांध देंगे इस साइड भी, और हम दूसरी साइड भी इसे बांध देंगे। और ये जो बनाते हुए हमने फंदे से इसे बांध दिया था, इसे हम खोल देंगे, यहाँ खोल देंगे, और इसी तरह से हम बांधेंगे जैसे हमने नीचे बांधा था। ये देखिए ये एक्स्ट्रा धागा मैं काट दूँगी, धागे दो उधर निकल रहे हैं, ये देखिए। और ये इस तरह से हम बना लेंगे, इसी तरह से हम दोनों चोली की पट्टियाँ बना लेंगे, ये देखिए। और अब हम इन्हें सिल देंगे या हम इन्हें चिपका देंगे, जैसा भी आप कर रहे हो ड्रेस में। तो पहले हम इसे इस तरह से मुड़ के देखेंगे, बिल्कुल सेंटर में हमें लगाना है। इस तरह एक निशान बना लेंगे जी। हाँ मैं फेविकोल लगा दूंगी, और पीछे भी फेविकोल लगा दूंगी। जहाँ हमारा ओपन है यहाँ भी दोनों सिरों पे हम फेविकोल लगा देंगे। और अब हम चिपका देंगे, इस ऊपर की साइड से ही इसे चिपकाएंगे हम, इस तरह से आगे चिपकाएंगे, फिर हम पीछे भी चिपका देंगे जहाँ हमने ओपन रखा है दोनों सिरों पे, इस तरह से। थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर, बीच से हम इस तरह से उठा के चिपका देंगे, और इसे हम सूखने देते हैं। सूख अगर आप सिल रहे हैं तो आपको जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन अगर आपने चिपकाया तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा इसके सूखने का। तो चलिए सुखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनती है। और ये देखिए हमारी ड्रेस सूख गई है, और ये कितनी सुंदर सी ड्रेस हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा टाइम सूखने में लगता है। और चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को आप इसे पहना के भी दिखा देती हूँ। तो बहुत ही छोटे से मेरे लड्डू गोपाल हैं, आप देख रहे हैं, तो इन्हें पहनाना बहुत ही आसान है। बस इस तरह से आप इन्हें हाथों में डालिएगा और पहना लीजिएगा, बस इसे पीछे की साइड कर दीजिएगा। आप चाहें तो कैप भी इसमें लगा सकते हैं, ये मैंने कैप इसमें लगा देती हूँ, ये मेरे पहले से बनी हुई थी, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। और आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी पहन सकते हैं, ये देखिए
कितने सुंदर से हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बन गई है, और बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से बिना सिलाई बिना क्रोशी के। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।